हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और ये है पार्ट 3। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि 1.6 को कैसे सॉल्व करना है। आशा करता हूँ कि आपने मेरी एक्सपोनेंट वाली सारी सीरीज देखी है। एक्सपोनेंट के मैंने कई सारे वीडियोज बनाए हैं, कई सारे रूल्स को कवर किया है। नहीं देखा है तो पहले आप एक बार एक्सपोनेंट को एक्सप्लोर कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए और फॉर्मूले आपको सारे मालूम हो जाएं, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, काफ़ी आसानी होगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 64 है तो 64 का शॉर्टकट मैंने आपको एक्सपोनेंट वाले वीडियो में सिखाया था कि 64 को हम 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, मतलब 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 1 2 3 4 5 6 raise to 1 by 2। अभी 2 की पावर है वो 6 टाइम आ रही है, अब पावर 6 है, पावर ऑफ पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है 6 × 1/2 2 3 हो जाएगा, इसलिए 2 raise to 1 by 3 2 raise to 3 = 2 × 2 × 2 = 8। ये आंसर हुआ, राइट। अभी नेक्स्ट 32 है, 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16 16 2 = 32 raise to 1 by 5। अब मैंने 2 को 5 बार लिखा है, 2 raise to 5 raise to 1 by 5 5 cut 2 raise to 1 = 2। नेक्स्ट 125 है, बहुत ही कॉमन इंटीजर, ये कॉमन नेचुरल नंबर है, 5 × 5 × 5 raise to 1 by 3 5 तीन बार आ रहा है, 5 raise to 3 raise to 1 by 3 3 3 cut 5 raise to 1 = 5। नेक्स्ट 9 raise to 3 by 2 9 को मैं 3 × 3 लिख रहा हूँ, raise to 3 by 2 3 को मैंने 2 बार लिखा हुआ है इसलिए 3 raise to 2 raise to 3 by 2 2 2 cut हो गया, 3 raise to 3 3 raise to 3 3 × 3 × 3 = 27। तो ये आपका आंसर हुआ, 1.6 एक्सरसाइज आपकी कवर हो रही है। आराम से देखिए, सारे क्वेश्चन में कवर करवाऊंगा 1.6, क्योंकि उसके पहले वाली एक्सरसाइज में तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, रेशनलाइज करने का नंबर आता है और आपको बस एक दो मार्क का आपको ट्रू फॉल्स एमसीक्यू पूछ लेते हैं। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं आपको √3 √5 √3 √7, बट ये नंबर्स आज तक अभी एग्जाम में पूछे गए नहीं है और नंबर लाइन के ऊपर दिखाने का कभी आज तक पूछा हुआ नहीं है, तो ज्यादा आपको परेशानी होने की लेने की जरूरत नहीं है। 32 है, पीछे पीछे अभी लिखा था, 2 raise to 5 2 by 5 5 5 cut हो गया, 2 raise to 2 = 4 नेक्स्ट 16 है, 2 2 4 2 8 2 16 raise to 3 by 4 हर एक में आपको हिंट दिया हुआ है, देखो पीछे 5 तो 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 तो देखो यहाँ पे 4 की पावर 4 आ जाएगी, 2 की पावर 4 आ जाएगी, मतलब आपको नहीं मालूम है तो आपको हल्की सी हिंट मिल जाएगी, 4 4 cut हो गया, 2 raise to 3 2 × 2 × 2 = 8 यहाँ पे देखो हिंट मिल रही है, 3 है मतलब 125 किसी ना किसी की 3 की पावर हो रही है, 3 के पावर के फॉर्म में आ जाएगा। फाइव तीन बार लिखा हुआ है,
3 कट हो गया, माइनस वन एक रूल सिखाया था एक्सपोनेंट में, एक्स रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स रेस टू वाई। यहाँ पे पावर वन ही है, मगर माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वन बाय लिखेंगे या फिर फाइव की पावर वन लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टू रेस टू टू बाई थ्री इंटू टू रेस टू वन बाय फाइव। जब बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का पावर क्या हो जाता है, प्लस। रूल सिखाया था एक्सपोनेंट, एक बार देख लीजिए आप। देखो यहां पे नंबर सेम नहीं है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, मैं एलसीएम डायरेक्ट ले रहा हूं स्माइली मेथड से। ये इसके पास गया और ये इसके पास गया, नीचे के नंबर सामने सामने जाते हैं, 10 बाय 15 प्लस 3 बाय 15, नंबर सेम हो गए, 10 प्लस 3 13 बाय 15। इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। चलिए आखिरी तीन चार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। 1 बाय 3 रेस टू 7 रेस टू 7 है, इसको पहले हम क्या करेंगे, पावर को अंदर लेके जाएंगे, 1 रेस टू 7 डिवाइड बाय 3 रेस टू 7 ऑफ 7 49 पावर 1 की पावर आप कितनी भी कर लो, वैल्यू तो 1 ही आने वाली है, 3 रेस टू 49। एक रूल सिखाया था, अगर कोई पावर नीचे होती है एक्स रेस टू वाई तो इसको मैं ऐसे ले सकते हैं एक्स रेस टू माइनस वाई, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं। चलिए नेक्स्ट, बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या होगा, माइनस। तो पहले मैं इनको माइनस कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4। एलसीएम लेने के बाद ये 2 है 4 है, दोनों इवन नंबर है, एलसीएम आएगा 4, 2 टू 4, तो 1 इंटू 2 2 इंटू 2 माइनस 1 बाय 4, ये हो गया 2 बाय 4 माइनस 1 बाय 4, 2 में से 1 गया तो 1 बाय 4। तो अभी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 11 रेस टू 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4। डिवीजन है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीजन होने से पावर का क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 का आंसर क्या आया, 1 बाय 4, ये आपका आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट वाला, बेस डिफरेंट नहीं है, बेस डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई है और पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर को बाहर ले लेंगे, सेवन एट जा 56 रेस टू 1/2। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कवर किया है। बात रही रेशनलाइज करने की, तो हमने रेशनलाइज वाले सारे वीडियोस हमारी नंबर सिस्टम का जो प्लेलिस्ट है उसमें दिए हुए हैं कि कैसे नंबर को रेशनलाइज करना है। फिर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे जाओ और नंबर को कैसे रेशनलाइज करना है और रूट वाले इरेशनल नंबर के एलजेब्रा और उनके फॉर्मूले के हिसाब से उनको कैसे सॉल्व करना है, वो सारा मैंने आपको उस वीडियो में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बहुत ही स्प्रेड कीजिए ताकि ये कंटेंट सारे बच्चों के पास जा सके। और आप ऐसे वीडियोस आने की वजह से क्या हो सकता है कि अगर आप फ्री बैठे हो, वैकेशन में एंजॉय कर रहे हो और आपको पढ़ने का मन होता है, तो आप कहीं पे भी मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से आप वीडियो को ओपन करके खुद सॉल्व कर सकते हो। आपको स्कूल जाने की या ट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ये कंटेंट है वो सारे बच्चों को अवेलेबल हो जाए और सारे बच्चे पढ़ सकें। थैंक यू सो मच, और हमारे ग्रुप्स में ऐड हो जाइए।
डिलाइट अकेडमी को ज्वाइन कीजिए और डेमो लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ हमारी फैमिली का मेंबर बन जाइए। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें मोटिवेशन देते हैं नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन।